नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 3 मई को माता बगलामुखी व्रत है। बगलामुखी देवी व्यक्ति को हर प्रकार से रिद्धि और सिद्धि प्रदान करती हैं। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं और इन्हें माता पिताम्बरा भी कहा जाता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों, देवी बगलामुखी जी के बारे में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और इसके कारण सभी लोग संकट में पड़ गए। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया, जिसे देख भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनकी शरण में जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के नीचे कठोर तप किया और देवी माँ को खुश किया। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने इस विनाश को रोका। दोस्तों, इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों, आप एक छोटी सी पूजा विधि के द्वारा माता बगलामुखी की प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने घर के पूर्व दिशा में एक जगह सुनिश्चित करें और उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद उस स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर माता बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित करें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये घर की पूर्व दिशा में करना है। इसके बाद माता की पूजा धूप दीप अगरबत्ती पीले फल पीले फूल और पीले लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर करना चाहिए। अगर आप माता बगलामुखी व्रत रखना चाहते हैं तो यह और भी उत्तम होगा। इसमें व्यक्ति को निराहार रहना चाहिए और सिर्फ रात्रि में ही फलाहार लेना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।